हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक्स के बारे में, जो कि कोई स्टॉक रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली स्टॉक से ही रिलेटेड है, या फिर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। सो दोस्तों, एक क्वेश्चन काफी लोगों ने मुझसे पूछा है, जो कि मेरे भाई है या फिर मेरे कलीग्स है, मेरे सीनियर्स है, जो 30 से 35 साल की उम्र के मोस्टली लोग हैं, जिन्होंने अपना ऑलरेडी जॉब का करियर स्टार्ट किया है, 10 15 साल 12 साल ऑलरेडी नौकरी कर चुके हैं, लेकिन अभी एटलीस्ट अभी ऐसा उनका पोजीशन है जहाँ पे उनके पास कैपिटल है, लेकिन उनका एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान बना नहीं है। एंड वो ऐसा जानना चाहते हैं कि आगे हम क्या करें ताकि एक जो हमारे लिए रिटायरमेंट फंड है वो बने, क्योंकि हम सब प्राइवेट जॉब करते हैं एंड हमेशा से अनसर्टेनिटी बना हुआ रहता है। तो सब चाहते हैं कि एक उनका फिक्स्ड अमाउंट हो, जो कि एक कॉर्पस, एक बड़ा अमाउंट हो जो उनको रिटायरमेंट के टाइम पे मिले, एंड वो कैसे उसको कमा सकते हैं ज्यादा रिस्क नहीं लिए हुए, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट पे काफी सारे पैसे लगा दोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरा पैसा आपका रिटर्न निकल के आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका पैसा डेफिनेटली बना के दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे चीजों के बारे में। मैं आपको कोई कुछ ऐसे फिगर्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है इसके लिए। तो सबसे जो आप या फिर बोल सकते हो जो मैजिक मंत्रा है यहाँ पे, बहुत सी सिंपल चीज है, कोई मैजिक नहीं है। सिंपल चीज ये है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया, स्टार्ट अर्ली, आपको जल्दी शुरू करना है। जितना जल्दी आप शुरू करोगे, यहाँ अगर आप डायग्राम में देखो, एक सिक्का से जाके ये बड़ा पेड़ बन सकता है। तो अगर आप लेट करोगे, जितना लेट करोगे उतना आपको बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज कम मिलेंगे। तो यहाँ सिंपल 1 करोड़ रुपए अगर आपको अपना रिटायरमेंट फंड बनाना है, आपको मात्र शुरू करना है 5,000 रुपए से। कैसे करना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, एकदम सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने अमाउंट वही 5,000 पकड़ा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको हर महीने 5,000 लगाने हैं। आप देख सकते हो 5,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 10% पकड़ा है, वो कि बहुत ही मिनिमल है। अगर आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, यहाँ पे कहाँ पैसा लगाना है मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको एक SIP करने की एडवाइस दे रहा हूँ, जहाँ पे एक आप जो भी शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, दैट इज परफेक्ट, लेकिन एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका होना जरूरी है, जहाँ पे बहुत कम अमाउंट, मैं मान के चल रहा हूँ 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, एंड कहीं ना कहीं अगर आप 25 से 30 ईयर्स के हैं, आपने 30 ईयर्स का एक प्लान स्टार्ट किया है, तो आपका बाई टाइम आप 60 साल के हो जाओगे, जब आप रिटायर करोगे तो आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा। तो अगर आप नॉर्मल 10% से कैलकुलेट करो तो आप देखो जो आपका अमाउंट निकल के आ रहा है 30 साल में, द अमाउंट इज कमिंग अराउंड 1.1 करोड़ रुपीज। तो बेसिकली आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, आपने मात्र इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपए, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने कमाया दैट इज 96 लाख। आप देख सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। तो 1 करोड़ रुपए आप इजी कमा सकते हो अगर आपकी एज 30 है, अभी से आप 5,000 का SIP करो। सेम चीज अगर मैं आपको डेटा पॉइंट कंपेयर करके दिखाऊं, और एक किसी बंदे के बारे में मैं दिखा रहा हूँ, वही 5,000 इन्वेस्टमेंट है, वही 10% रिटर्न है, लेकिन मात्र 5 साल उसने कम कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट। जहां 30 का इन्वेस्टमेंट था, 30 ईयर्स नहीं करके उसने 25 ईयर्स इन्वेस्ट किया। आप क्लियर कट यहाँ पे देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ जा रहा है। आपने इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपए, क्योंकि आपने 5 साल कम इन्वेस्ट किए, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने कमाया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया था, यहाँ आपने कमाया 51 लाख का इंटरेस्ट, 67 लाख अपना आपने जमा किया, तो 67 लाख। अब देखिए, जस्ट ये 30 साल इन्वेस्टमेंट, ये 25 साल इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं आपको दूसरे पेज में ले जाऊं, यहाँ पे मैं वही पिछले स्लाइड्स के साथ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपने 5,000 इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए, 10% के हिसाब से 30 साल के लिए आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। वहीं पे एक दूसरा एक कोई है जो इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो कम ड्यूरेशन के लिए करता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट करता है, बिल्कुल दोबारा आपसे डबल करता है। तो आपने 5,000 किया, उसने 10,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट किए, 10% वही सेम रिटर्न, लेकिन जो नंबर ऑफ इयर्स था 30 के जगह में 20 साल किया, तो आप रिटर्न देखिए कितना आ रहा है, वही 52 के करीब करीब 76 लाख। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो मेन मैजिक मंत्र है कुछ नहीं है, स्टार्ट अर्ली इज द मैजिक मंत्र, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपको जल्दी शुरू करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन तक आप इसका प्रीमियम दे, ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन तक आप इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले।
इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, म्यूचुअल फंड में किस तरह से करना है, कितना परसेंटेज अपना पोर्टफोलियो का शेयर्स में लगाना है, कितना फिक्स डिपॉजिट में रखना है, कितना बॉन्ड्स में लगाना है। सो दोस्तों, जैसा मैं कंटिन्यू कर रहा था, जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाना है, कौन सा सेक्टर आपके लिए फायदा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। कुछ पैसे आपको शेयर्स में लगाने हैं, कुछ आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाने हैं, कुछ आपको कैश में रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहां आपको पैसे की जरूरत पड़े, तो डेफिनेटली कुछ पैसा कैश में रखना जरूरी है। कुछ पैसा आप ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी बट इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर, ऐसे कोई जो भी मेटल्स है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट सोर्स है, उस पर मैं अलग अलग वीडियो आपको बनाऊंगा, मैं उसमें एक अच्छा सा आपका एक पोर्टफोलियो डिजाइन का वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहे। अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था, आपको यही बताना कि दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो अभी प्लान और ना करें, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आपका ये जो कॉर्पस अमाउंट है वो कम होता जाएगा, वो उतना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता जाएगा, एंड जो बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म का मिलता है वो भी रिड्यूस होता जाएगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, एंड डायरेक्टली एज सुन एज पॉसिबल अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, ताकि एक बड़ा से बड़ा अमाउंट आप अपने रिटायरमेंट के लिए बना सको। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें। मुझे ट्विटर टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करता हूँ, ताकि आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन मिले। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करूँ एंड बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूँ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव अ लवली ट्रेडिंग डे, एंड यू हैव अ लवली डे अहेड। बाय बाय।